आए दिन राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अंबेडकर नगर से सामने आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। अंबेडकर नगर के मदनगिर इलाके से एक बेहद ही खौफनाक मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम एक शख्स जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है, उसकी उम्र 27 साल भी बताई जा रही है, वह अपने दुकान के बाहर खड़ा था। तभी कुछ अज्ञात लोग आते हैं और उस पर एक के बाद एक चाकुओं से हमला कर देते हैं। तकरीबन कई वार करने के बाद वह आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। वही गौरतलब की बात यह भी है कि ये जो पूरा मामला था, यह पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद भी होता है। आसपास के स्थानीय लोग सबसे पहले मनीष को घायल अवस्था में ही एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही इस मामले में पुलिस भी हरकत में आती है और तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन दोनों जो अपराधी थे वो नाबालिग हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने जब उन नाबालिगों से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा भी हुआ। जो एक नाबालिग था उसने यह बताया कि तकरीबन 1.5 महीने पहले मनीष नाम के शख्स से उसकी कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी। हालांकि अभी तक स्पष्ट उसने नहीं की कि किस बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन यह मामला इतना व्यापक बढ़ गया कि दोनों के बीच में आए दिन झगड़े भी हुआ करते थे और मंगलवार शाम वो दोनों आरोपी पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही शाम को मनीष अपने दुकान से बाहर निकल रहा था, तभी आरोपी वहां आ जाते हैं और चाकुओं से एक के बाद एक हमले कर मनीष को वहीं पर घायल कर देते हैं और उसे बुरी तरीके से जख्मी भी कर देते हैं। लहूलुहान अवस्था में मनीष कुछ देर वहीं पड़ा रहता है। फिर आसपास के लोग उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे आपराधिक मामले हमारे राजधानी दिल्ली में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक कड़े सवाल उठते हैं कि क्या अपराधियों के मंसूबे इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि प्रशासन का खौफ उनके मन में बिल्कुल ही नहीं रहा। वही मनीष मूल रूप से नई बस्ती का रहने वाला है। वह अपने परिवार के साथ नई बस्ती में रहता था। बताया जा रहा है कि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला भी शख्स था। वह जूते के दुकान पर काम करता था और वहीं से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। अब इस हत्या से एक बात सामने आ रही है कि अब परिवार की भी रोजी रोटी की समस्या भी सामने आ रही है, क्योंकि अब परिवार के बीच जो कमाने वाला एक शख्स था वह उनके बीच नहीं रहा। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया और दोनों नाबालिगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।